उदाहरण 6 प्रश्न। एक 7 मीटर चौड़ी सड़क एक वृत्ताकार बगीचे को घेरती है। बगीचे की परिधि 352 मीटर है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें ऐसे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है और वह एक वृत्ताकार बगीचे को घेरता है। चित्र में देखें, यदि हम बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तब हमें वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं वृत्ताकार मार्ग की बाह्य त्रिज्या। इसे हम यदि लें R1 मीटर और वृत्ताकार मार्ग की अंतः त्रिज्या ले लेते हैं R2 मीटर। इसके साथ ही हमें बगीचे की परिधि भी दी गई है। बगीचे की परिधि बराबर है 352 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 2πR2 बराबर 352। 2 × π का मान रख दें, 22/7 गुणित R2 बराबर 352। तब R2 बराबर होगा 352 गुणित 7/2 × 22। यदि 11 के पहाड़े से इसे काटें तो हमें मिलेगा 11 × 22 और यहाँ पर 11 × 33 और 11 × 22 यानी 32 बार। पुनः 2 के पहाड़े से इसे हल करें तो 2 × 1 = 2 और ये कटेगा 16 बार। तो हमें प्राप्त हुआ है 16 × 7/2 जो कि आगे और हल हो सकता है। तो हम कर लेते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 यानी कि R2 का मान हमें प्राप्त हुआ है 56 मीटर। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई 56 मीटर। तो वृत्ताकार मार्ग की बाह्य त्रिज्या कितनी होगी? वृत्ताकार मार्ग की बाह्य त्रिज्या बराबर होगा R2 धन सड़क की चौड़ाई जो कि दी गई है 7 मीटर और R2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? 56 मीटर। तो 56 × 7 बराबर हुआ 63 मीटर। अब हम वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो होगा वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ऋण अंतः वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πR1 का वर्ग माइनस πR2 का वर्ग। इसे हम लिख सकते हैं पाई कोष्टक में R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग। R1 और R2 का मान रख लेते हैं तो हमें मिलेगा 63 का वर्ग माइनस 56 का वर्ग। अब पाई का मान यदि हम रख लें तो होगा 22/7 और इसे सरल करने के लिए हम यहाँ सरसमिका का प्रयोग भी कर सकते हैं।
तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे? 63 + 56 गुणित 63 + 56। हमने यहाँ कौन सी सरसमीका का प्रयोग किया है? a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b गुणित a धन b। चलिए इससे हमें क्या प्राप्त होगा? 22/7 गुणित 119 गुणित 7, जिसका मान होगा 2618 वर्ग मीटर। इस प्रकार हमें मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 2618 वर्ग मीटर।